हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट 5, जिसमें हम यूज ऑफ कैन पढ़ेंगे। देखिए, कैन मीन्स होता है सकना, सत्ता या शक्ति। यानी कैन का यूज हम शारीरिक क्षमता, सामर्थ्य या योग्यता दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आइए आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ यूज कैन, सिंपल सिंपल में कैन सेंटेंस में कैन का यूज कैसे किया जाता है, उसके लिए सूत्र है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस कैन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, जैसे राम अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम, तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार राम आएगा, राम के बाद कैन, और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब है पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश है रीड, तो हो गया राम कैन रीड अंग्रेजी इन इंग्लिश, तो बना राम कैन रीड इंग्लिश। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं एक पत्र लिख सकता हूं, तो आई, आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हो गया कैन, लिखना की फर्स्ट फॉर्म हो गई राइट ए लेटर, आई कैन राइट ए लेटर। आप हिंदी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट हुआ आप यानी कि यू, सब्जेक्ट के बाद आया कैन, और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बोलना, बोलना की फर्स्ट फॉर्म हो गई स्पीक, तो बना यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैं तालाब में तैर सकता है, सब्जेक्ट है ही के बाद आया कैन, और कैन के बाद वर्ब है तैरना, तैरना की इंग्लिश हो गई स्विम इन द पूल, तो ही कैन स्विम इन द पूल। तुम देख सकते हो, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आया कैन, और वर्ब है देखना कि सी हो गई, तो यू कैन सी। आप महान बन सकते हैं, तो सब्जेक्ट हुआ यू, यू के बाद आया यानी सब्जेक्ट के बाद आया कैन, और बनना की हो गई बी महान ग्रेट यानी यू कैन बी ग्रेट। अब देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव या नकारात्मक यानी जिन वाक्यों में नहीं आता है, उसके लिए सूत्र है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद कैन, और कैन के तुरंत बाद नाट लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। देखें एग्जाम्पल, जैसे राधा दौड़ नहीं सकती है, सब्जेक्ट हुआ राधा, उसके बाद आएगा कैन, राधा कैन, और कैन के तुरंत बाद नॉट, हुआ राधा कैन नॉट। वर्ब है दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश होगी रन, तो बना राधा कैन नॉट रन। और एग्जाम्पल देखें, वह यह काम नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट है वह के सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद नॉट, और वर्ब हो गई करना यानी कि डू, उसकी इंग्लिश हो गई डू यह काम, दिस वर्क, तो ही कैन नॉट डू दिस वर्क। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, तो सब्जेक्ट हुआ आई, आई के बाद कैन, और कैन के बाद नॉट, फिर आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बोलना की फर्स्ट फॉर्म हो गई स्पीक, तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। लड़के स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो लड़के इसमें हो गया सब्जेक्ट यानी कि वॉइस, उसके बाद कैन, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाना की गो हो गई, तो वॉइस कैन नॉट गो टू स्कूल। गो की तीनों फॉर्म गो वेंट गॉन या गोइंग के बाद टू अवश्य लगाया जाता है, तो वह वॉइस कैन नॉट गो टू स्कूल। अब देखें इंट्रोगेटिव, ऐसे इंट्रोगेटिव जिनके प्रारंभ में क्या आता है,
जो सेंटेंसेस हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं उसके लिए सूत्र बनेगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट तो फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या आप चाय पी सकते हैं, यहाँ पे क्या शब्द शुरू में आया है, इस क्या की अंग्रेजी अलग से नहीं लगेगी बल्कि कैन को शुरू में लगा देते हैं जिससे क्या निकलता है। तो सबसे पहले आया सूत्र के हिसाब से देख ले, कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप यानी कि यू हो गया, कैन यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है पीना यानी कि ड्रिंक द टी, तो कैन यू ड्रिंक द टी। और देखें एग्जाम्पल, क्या हम घर जा सकते हैं, तो क्या यानी कैन से शुरू हो गया, कैन हम की होगी, बी हो गया सब्जेक्ट, कैन बी गो टू होम, यहाँ पे जाना की फर्स्ट फॉर्म गो होगी, गो के बाद टू लगाया है, कैन बी गो टू होम। क्या वह एक काम कर सकता है, तो कैन वह की आ गई ही और ही के तुरंत बाद काम करना की फर्स्ट फॉर्म डू हो गई, तो कैन ही डू दिस वर्क। क्या आप दौड़ नहीं सकते हो, अब इसमें क्या और नहीं दोनों एक साथ आए हैं, तो देखें कहाँ पर नहीं की इंग्लिश लगेगी, सबसे पहले उसी हिसाब से चलेंगे, सबसे पहले आएगा कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट आ गया यू, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगता है ऐसे सेंटेंसों में, सेंटेंसेस में, तो हो गया कैन यू नॉट रन। अब देखें इंट्रोगेटिव, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या कब क्यों कैसे आता है, उसके लिए सूत्र होगा, सबसे पहले आएगा क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द को सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है, उसके बाद कैन और कैन के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है कैसे, तो कैसे की इंग्लिश हो गई हाउ, जिसको शुरू में लगा दिया गया, उसके बाद सूत्र के अनुसार आएगा कैन, तो हाउ कैन, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है वह, तो ही आ गया, तो हाउ कैन ही। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बोलना की फर्स्ट फॉर्म होगी स्पीक, ऑब्जेक्ट की जगह इंग्लिश हो गया, तो हो गया हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश। और देखें एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो, तो अब यहाँ पे क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश अलग से लगाई जाएगी, यही पिछले सेंटेंसेस में क्या अगर शुरू में आता था तो क्या की इंग्लिश वहां नहीं लगाई जाती थी, लेकिन यदि क्या बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश शुरू में लगाई जाएगी। तो देखें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ गया, व्हाट, क्या की इंग्लिश हो गई व्हाट, फिर कैन, उसके बाद सब्जेक्ट डू, हो गया व्हाट कैन यू डू। मोहन किताब क्यों नहीं पढ़ सकता है, अब इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द और नहीं शब्द दोनों एक साथ आए हैं, तो देखें नहीं की इंग्लिश कहाँ पे लगेगी, तो बनाएंगे सूत्र के अनुसार कैसे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्योंकि इंग्लिश आ गई भाई, उसके बाद आएगा कैन और कैन के बाद आया सब्जेक्ट, तो हो गया भाई कैन मोहन, सब्जेक्ट है मोहन, और मोहन के यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, तो हो गया मोहन बाई कैन मोहन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड द बुक, वाई कैन मोहन नॉट रीड द बुक, मैं आपकी मदद कैसे नहीं कर सकता हूं, तो कैसे नहीं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हो गया यानी क्वेश्चन वर्ड, कैसे की इंग्लिश हाउ, उसके बाद कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट जो है आई, तो हाउ कैन आई, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करना की हेल्प हो गई, तो वरना हाउ कैन आई नॉट हेल्प यू, तुम देख क्यों नहीं सकते हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्यों उसकी इंग्लिश शुरू में आ गई भाई, उसके बाद कैन, सब्जेक्ट यू हो गया, और यू और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना की सी हो गई, तो वरना भाई कैन यू नॉट सी, तुम देख क्यों नहीं सकते हो। इस तरीके से सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो बार वीडियो को पॉज करके उन्हें लिखा भी जा सकता है। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू वेरी मच।